शिव शक्त्यायुक्तो। सौंदर्य लहरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमें इसे हर एक पर्सपेक्टिव के साथ में सोचना है। हमें सौंदर्य लहरी, ये जो रहस्यमयी और शक्ति की, शक्ति के अस्तित्व का जो स्तोत्र है, जो उसकी एग्जिस्टेंस, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, उसके बारे में बात करता है, जो शिव और शक्ति के मिलन की बात करता है, जो भगवती त्रिपुर सुंदरी की बात करता है, जो आदिशक्ति की बात करता है, हमें केवल इसे जानना नहीं है, हमें इसे, इसका पान करना है, इस ऊर्जा में ध्यान करना है और इसी ऊर्जा के अस्तित्व में स्नान करना है। तो शुरू करते हैं। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। आज हम इस बात को जोड़ेंगे प्राणायाम से। आज हम इस विद्या को, ये जो सौंदर्य लहरी नाम का जो अमृतत्व है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने हमें दिया है, हम इसे योगिक साइंसेस से भी जोड़ेंगे, क्रिएशन से भी आगे जोड़ेंगे, परंतु आज हम इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो उन्होंने कहा कि शिवः शक्त्या युक्तो, है ना, यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। अब इसको हम अपनी ब्रेथ से जोड़ेंगे। एग्जिस्टेंस कहां से आती है, हमारे स्वर कौन से हैं, हम किसी भी कार्य को कैसे कर पाते हैं। अच्छा, प्राणायाम की तो बात बाद में, सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, फिर हम इसी के बीच में आगे चल के सेल की जनरेशन की बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, बहुत रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है ये आपके जीवन को समझने के लिए। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह विषय है ब्रेथ, हमारा श्वास। जब शिव और शक्ति की बात करते हैं और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की बात करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, यानी पुरुष की शक्ति, पौरुष और स्त्रीत्व, इसकी बात करते हैं, जब हम परमात्मा की बात करते हैं और आत्मा की बात करते हैं, जब हम सभी नियमों की बात करते हैं और नियमों को चलाने वाले की बात करते हैं, जब हम अपने प्राण की बात करते हैं और प्राण के खत्म हो जाने की बात करते हैं, तो उसमें ये सब हो रहा है क्योंकि प्राण है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुर्दा इंसान को तुम कह दोगे कि 50 लाख भी तुम्हारा गया तो वो उसका कोई मैटर नहीं करता है, उसके लिए ना सूर्य मैटर करता है ना चंद्र मैटर करता है, वो तो चला गया, वो प्राण चले गए अंदर से। तो वो जो प्राण है हमारे अंदर, वो भी शक्ति है। जब हम हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए, एक मुर्दा व्यक्ति ब्रीथ नहीं करता है, परंतु जैसे जैसे बॉडी बननी शुरू होती है गर्भ में, तो ब्रीदिंग वहीं से शुरू हो जाती है। अब ब्रेथ क्या है? ब्रेथ सबसे पहले सूर्य स्वर, राइट, चंद्र स्वर। अब आपने ब्रेथ लिया, आपने ब्रीदिंग, आपको पता ही नहीं है, आप श्वास ले रहे हो,
आपकी सारी बॉडी अपना अपना नियमवत कार्य कर रही है और शरीर का एक तापमान है, वो तापमान आपके अंदर अपने तरीके से मेंटेन्ड रह रहा है। जब वो तापमान ऊपर नीचे होता है तो ब्लड प्रेशर, ये वो बहुत सारी चीजें, और मृत्यु में हृदय ही सबसे पहले कार्य करना बंद करता है। अब हम ब्रेथ लेते हैं, हमने ब्रीद किया है अंदर, ब्रेथ छोड़ रहे हैं और अंदर प्राण बन रहा है। अंदर जाती हुई सांस शिव स्वरोदय क्या कहता है, अंदर जाती हुई सांस शंभु रूप है और बाहर जाती हुई सांस दुर्गा रूप है। चंद्र दुर्गा रूप है और सूर्य शिव रूप है, और गर्मी है और सर्दी है, यानी हमारा मैसुलिन एनर्जी, जितनी उग्रता की एनर्जी है वो यहां से आती है, और जितनी शांति की एनर्जी है वो यहां से आती है। परंतु कारण उसका क्या है, मूल कारण क्या है उसका? मूल कारण है ब्रेथ, सांस। हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं, हम श्वास ले रहे हैं उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे, वो अपना कार्य कर रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शिव शक्त्या युक्तो, इसको इस पर्सपेक्टिव से देख के देखें कि हमने सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ये शिव और शक्ति है ना, हमारे पंच तत्व हैं, वो सभी एग्जिस्टेंस का कारण है, वो सभी आपके अंदर की ऊर्जा का कारण है, वो ही आपके प्राण का कारण है, वो ही आपकी एग्जिस्टेंस है। हम जो खाते हैं उसमें भी पंच तत्व है ना। अब वो पंच तत्वों का कारण कौन है? शिव। और उन्हीं पंच तत्वों की ऊर्जा कौन है? शक्ति। शिव शक्त्या युक्तो, ये जो ब्रेथ हम लेते हैं, हम कोई कोशिश नहीं कर रहे है ना, हम कोई कोशिश नहीं कर रहे, परंतु हमारा ब्रेथ आ रहा है और ब्रेथ जा रहा है, तो ये शक्ति के कारण ही हो रहा है। वायु का फ्लो हमारे शरीर में, ब्लड का फ्लो हमारे शरीर में, सब शक्ति के कारण ही हो रहा है। अगर वो नहीं हो तो हम वी आर डेड। ये भी एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का। अनुलोम विलोम प्राणायाम या किसी भी प्राणायाम से शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है। जब हम बात करते हैं किसी टॉप मोस्ट पोजीशन की, तो शिवत्व की बात करते हैं, शिवत्व प्राप्त कर लेना, इसकी बात करते हैं। और शिवत्व को प्राप्त करने के लिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मुर्दा इंसान को तो हर व्यक्ति बाहर निकाल देता है, कितने बजे ले जाएंगे? जब व्यक्ति मर जाता है तो वही होता है जिसके बिना जी नहीं पाते, और पूछते हैं कितने बजे ले जाएंगे, है ना। तो उसका कारण क्या है? शक्ति। वो जो ब्रेथ हमारी अंदर है, शिव और शक्ति का मिलन जाके होता है, अब उसके बाद सुषुम्ना का भी है, इडा पिंगला सुषुम्ना, है ना। तो नाभि में दुर्गा निवास करती है और यहां शिव, और ये तालु में अमरत्व है, उनका मिलना। शिव शक्त्या युक्तो, बोल पाते हो, सांस ले पाते हो, ये अमरत्व ही तो है। तो शिव और शक्ति का मिलन प्रतिपल आपके अंदर होता है। आपके अंदर वो आदि शिव संहार रूपी और क्रिएशन रूपी कार्य हर वक्त तत्व के रूप में करते हैं। तो शायद ये शंकराचार्य जो थे
अपने गुरुजी, उन्होंने इस बात को बताने का प्रयत्न किया है, सोच के देखें।